हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे, और इसके एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आज के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। 240 का लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल था जिसको ये ब्रेक कर रहा है, प्लस इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हम लोग को साथ में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर गया, नीचे आया और ये फिर से इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है इस तरीके का कुछ ब्रेकआउट दे रहा है जिसको हम लोग हायर हाई और हायर लो बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और इधर बाई कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस बड़ा लगता है, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पहले कैंडल के पे नीचे भी लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जिसको जितना लॉस लेना है, जितना रिस्क लेना है, उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आज के दिन हो रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट कैंडल जो है क्लोजिंग ऊपर देना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, इसकी जो क्लोजिंग हो रही है वो क्लोजिंग ऊपर की ओर होना चाहिए, ना कि नीचे की ओर होनी चाहिए। अगर ये क्लोजिंग नीचे होता है तो फिर ये फिर से इसी रेंज में आ जाएगा और हम लोग इसमें पोजिशन नहीं बना पाएंगे। इसकी क्लोजिंग एटलीस्ट 240 के ऊपर होगी तब हम लोग इसमें कुछ क्वांटिटी बाई करके जाएंगे। स्टॉप लॉस होगा अपना, अगर इस कैंडल के भी नीचे रखेंगे तो यहाँ पे 237.4, और इस कैंडल के नीचे रखेंगे 233। तो ठीक है, तो ये और ये जो लेवल है ये अराउंड 230 का, तो 10 रुपये अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लेते हैं तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल ने अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब इसको यहीं पे सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट तो मिल गया 240 का, अब ब्रेकआउट मिलने के बाद ये इसी लेवल के आसपास सस्टेन करना चाहिए। जैसे अभी इसको सेलिंग जो मिल रही है 244 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है फिर से, लेकिन ये इसी जोन में अगर यहाँ पे आज के दिन रुक जाता है और क्लोजिंग मिल जाती है तो कल हम लोग इसको बाई करके लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, फिर से इसको टच करके वापस निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे भी स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर सकते हैं, प्लस इस लेवल के आसपास भी अपना स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस कर सकते हैं। टारगेट कितना होना चाहिए हमारा? तो टारगेट इस ब्रेकआउट से कम हम लोग को यहाँ पे पहला टारगेट तो हमारा ये लेवल होना चाहिए 250 के आसपास, एंड सेकेंड टारगेट जो होना चाहिए 260 का होना चाहिए। ठीक है, उतना ही शेयर में उतने ही क्वांटिटी में अपना पोजीशन बनाए, जितनी रिस्क आप झेल सके, जितना अगर लॉस होता है तो आप हैप्पी फील कर सके। ठीक है, उस तरीके का ही कोई भी पोजीशन बनाइएगा, और ज़रूरी नहीं है हर शेयर में पोजीशन बनाना कि हर शेयर में जाके पोजीशन बना लिया जाए। बहुत से शेयर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा ही कहीं भी किसी भी शेयर में कोई भी पैटर्न बनता है तो हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो इसने रेंज बना रखा है वो बना रखा है 220, अराउंड 230 से बोल सकते हैं, 230 से 240 का यहाँ पे रेंज है, 225 से 230 का, तो 15 रुपीज़ का यहाँ पे रेंज है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो 240 से 15-255 के आसपास का हम लोग को टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अच्छा है, यहाँ पे 1:2 का यहाँ पे हम लोग को टारगेट आराम से मिल जाएगा। अगर 5 रुपये का रिस्क लेंगे 233-234 के आसपास, जैसा कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से यहाँ पे 1:3 का आराम से ट्रेड मिल सकता है। तो हर चीज़ को आपको एनालाइज करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना क्या करना है, उसके बाद ही कोई भी आप डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पे। यही आपको अपडेट करना था। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।